जब से ये आए हैं विधायक जी, तब से गड़बड़े चल रहा है जी। अभी ही तो गड़बड़ चल रहा है, जबकि नगर यही नगर परिषद था और यही हम विधायक थे कि नंबर वन डेहरी नगर परिषद आया था। मात्र 13 महीने के कार्यकाल की योजना को किसी गांव में जाइएगा, हमारा नेम प्लेट वहां पाइएगा, क्योंकि मैंने धरातल पर काम किया। आज का जो वर्तमान विधायक हैं, जाइए कहीं, 13 महीना नहीं बल्कि 15 महीना से अब हो गया। जैसा कि आपने बताया कि आपने पार्क पे काम किया, हम वर्तमान विधायक का एक इंटरव्यू सुन रहे थे किसी चैनल पे, उन्होंने कहा है कि पार्क को बनवाने में लाखों रुपयों का गबन हुआ है। हमने ये सब र्यूमर फैलाया, ये सब र्यूमर फैलाया, कहा कि नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। इतना हम समझ सकते हैं कि इस शो से अब आप वाकिफ हो चुके होंगे। इस शो में हम बात करते हैं अलग अलग विधानसभा के पूर्व विधायकों से। अब तक हम सासाराम और करघर विधानसभा के पूर्व विधायकों से बात करके और उस विधानसभा में हो रहे विकास पर समीक्षा की है। इस बार इस कार्यक्रम के तीसरी कड़ी में हमारे साथ अतिथि के तौर पे मौजूद हैं सत्यनारायण सिंह जी, जो कि डेयरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद जी। और पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शो में हम लोग एक समीक्षा वाली बातें करते हैं, जिसमें कि पूर्व विधायकों से मिल करके हम लोग ये बातें करते हैं कि अभी जो आप अपने विधानसभा को देख पा रहे हैं, किस ओर आपकी विधानसभा बढ़ रहा है, चूंकि अभी तो आप शासनकाल में नहीं है, किसी और के हाथ में बागडोर है, तो अभी आप अपने विधानसभा को किस ओर बढ़ते हुए देख पा रहे हैं, सबसे पहला और बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए, जहाँ तक हमको देखने की बात, आपको सही आकलन जी, हमसे ज़्यादा आकलन यहाँ की जनता आपको बताएगी। बिल्कुल, चूँकि सब कोई अपनी प्रशंसा करता है, हम भी करेंगे, लेकिन असली समीक्षा और क्षेत्र में काम का आकलन आपको जनता बताएगी जी। फिर भी आप हमसे अगर पूछ रहे हैं तो मेरा कार्यकाल 13 महीना का रहा, क्योंकि मिड टर्म चुनाव में हम आए थे, लेकिन मात्र 13 महीना में यहाँ की जनता बल्कि आपको बोलेगी कि जो 15 सालों में काम नहीं हुआ वो विधायक जी किए, जनता बताएगी। क्योंकि अपने कार्यकाल में हमने, चूँकि विकास होता है, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, यही ना विकास का पैमाना है, तो कम्युनिकेशन में आज़ादी के बाद पहली दफ़ा 62 रोडों की स्वीकृति कराया और उसमें काम भी लगाया, और कुछ काम बाकी था वो बाद में हुआ, मैंने स्वीकृत कराया। उतना बुधवा महुआरी में आज़ादी से इलियास साहब आए, जोशी जी आए, फलाने आए, बुधवा महुआरी में पुल नहीं बना पाए, जाते थे लोग नाव चढ़ करके और पार होते थे और कहते थे कि हम बना देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं बनाया। मैंने उस पुल की स्वीकृति कराया, भैया बहनी का पुल 200 साल से पेंडिंग था उसको कराया, रोड कराया, मैंने कम्युनिकेशन के साधन यहाँ जनता को मैंने दिया। जहाँ तक आप डेहरी नगर में अभी हैं, डेहरी नगर में एक भी पार्क नहीं था। नगर परिषद में हर साल, चूँकि गवर्नमेंट के रूल का अनुसार हर नगर परिषद में पार्क के लिए पैसा 50 लाख आता था, लेकिन लौट जाता था, इसलिए लौटता था कि कहीं कोई जमीन नहीं था, जबकि इरिगेशन के यहाँ 1900 एकड़ ज़मीन है जो ट्रांसफ़र हो सकता था, मात्र 1 एकड़ ज़मीन आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं कराया, लेकिन मैंने मात्र 13 महीने के कार्यकाल में 1 एकड़ लोग मांगता था, मैंने 6 एकड़ नगर परिषद को सुपुर्द कराया और उसमें काम भी प्रारंभ कर दिया। जब जो जाइएगा अभी तो काम अधूरा है, आज तक उसमें एक ईंटा कोई जोड़ने का काम नहीं किया।
तो जब जब बीजेपी का नाम आता है डेहरी विधानसभा में, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा सामने आता है, सत्यनारायण सिंह का। जैसा कि आपने बताया कि आपने पार्क पे काम किया, हम वर्तमान विधायक का एक इंटरव्यू सुन रहे थे किसी चैनल पे, उन्होंने कहा है कि पार्क को बनवाने में लाखों रुपयों का गबन हुआ है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, पार्क बनाने में गबन है तो उसकी जांच हो, उसकी जांच हो, लेकिन सिंगल पैसे का भी गबन नहीं। उस पर जांच भी हुआ और जांच से बरी भी हुआ, उसने जांच कराया लेकिन जांच से वो अफसर बरी हुआ, वो जांच भी कराया लेकिन उसमें उसे कुछ जांच में गड़बड़ी नहीं पाया गया। वह जा करके पूछिएगा कि क्या गड़बड़ी पाया, आपने तो जांच कराया लेकिन कोई गड़बड़ी तो नहीं पाया। बिल्कुल, जब चुनाव हुए उपचुनाव तो उस समय पहली बार बीजेपी डेहरी में आई, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव में कुछ ही वोटों से सत्यनारायण जी पीछे रहे। मेरा एक सवाल है, चूंकि इस शो में हम लोग विधानसभा क्षेत्र के विकास पे चर्चा करते हैं, तो चूंकि जब जब इस विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो एक बहुत बड़ा चीज सामने आता है, वो है यहाँ की फैक्ट्रीज, चाहे वो डालमिया नगर फैक्ट्री हो, चाहे वो डालडा और ये और भी फैक्ट्रियां हैं, उनको लेकर के आप क्या देख पा रहे हैं कि कब तक ये खुलने की संभावनाएं हैं? क्योंकि पहले जब हम आपका इंटरव्यू लिए थे उस समय आपने संभावनाएं दिखाई थी हमारे दर्शकों के सामने कि नहीं, संभावनाएं कुछ बन रही हैं, लेकिन अब की स्थिति क्या आपको नजर आ रही है? देखिए, अभी तो कोई स्थिति नजर नहीं, उस समय हमने प्रयास किया था जा करके वहाँ दिल्ली भी, हमने मंत्रालय में भी मिला। एक समस्या आ रही थी फोर कॉरिडोर का, जो रेलवे फोर कॉरिडोर जो बनना है तो उसके पार करके बोगी को आना था, जो असंभव था, लेकिन उसमें अभी आश्वासन दिए थे लेकिन उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है, फैक्ट्री खुलनी चाहिए और लोगों को, हम भी अपने स्तर से लगे रहते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन दायित्व तो अब दूसरे को ज़्यादा बन गया है, लेकिन उसमें दूसरे के तरफ से कोई पहल नहीं, लेकिन हम तो पहल लिखा पढ़ी करते रहते हैं। और जहाँ तक आपने पार्क के बारे में कहा, हमने ये सब र्यूमर फैलाया, ये सब र्यूमर फैलाया, कहा कि चूँकि हमने यहाँ के डालमिया नगर फैक्ट्री जो है बंद है और यहाँ नगर परिषद है, नगर परिषद में, नगर परिषद का डालमिया पर 12-13 करोड़ रुपये बाकी था। अच्छा, हमने जाकर के लिक्विडिटर से मिला, हमने कि जो टैक्स बाकी है उसके एवज में आप हमको जमीन दें, उन्होंने एग्री किया था कि एक जक्की बीघा में आपको प्लॉट देंगे, डालमिया नगर में 3 प्लॉट देंगे, डेयरी नाच घर को देंगे, सब्जी मंडी के लिए देंगे, लेकिन हम नहीं रहे तो समझिए कि एक भी जमीन उपलब्ध नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ डालमिया नगर का एक, जबकि हमारे रीजन में एग्री किए थे लिक्विडेटर कि झंडा चौक, झंडा मैदान और खेल मैदान मात्र एक मिला, उतने पर ही सब सबर करिया। यहाँ तो जाकर के अपना डिमांड रख रहा है तब ना मांग रहा है, कोई बच्चा रोएगा नहीं तो उसको दूध भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल है, तो आज के जनप्रतिनिधि को चाहिए था, लेकिन उसने तो नगर परिषद से लड़ाई करके सब योजना को ठप कर दिया। अच्छा, जो आज देख रहे हैं कि यहाँ 7 पार्क होता, मात्र एक पार्क भी अधूरा रह गया। बिल्कुल, 7 पार्कों की स्वीकृति हुई थी जिसमें अभी एक पार्क है लेकिन वो भी आधा अधूरा जी। आज जिसको कहते हैं कि जांच है, इसने लिखा भी, वर्तमान माननीय विधायक ने लिखा भी, जांच भी हुई लेकिन कुछ नहीं गड़बड़ी पाया गया। अगर कहता है कि गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और आपने जांच कराया लेकिन कुछ नहीं पाया, कहाँ गड़बड़ी है? कितना दिन में जांच कराओगे भाई? जांच करानी चाहिए, लेकिन आज आप जाइए पूरे क्षेत्र में, आप भ्रमण करिए, आप मेरी योजना को, मात्र 13 महीने के कार्यकाल की योजना को
किसी गांव में जाइएगा, हमारा नेम प्लेट वहां पाइएगा, क्योंकि मैंने धरातल पर काम किया। लेकिन आज का जो वर्तमान विधायक हैं, जाइए कहीं 13 महीना नहीं बल्कि 15 महीना से अभाव हो गया, आप किसी गांव में वोट दिखा दीजिए, क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, बेंच में जा रहा है कि डेस्क में जा रहा है कि लाइट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है कि किताब में जा रहा है। सत्यनारायण का पैसा किताब में और बेंच में और डेस्क में नहीं गया है, धरातल पर, धरती पर उतरा है। हमने सामुदायिक भवन बनाया, PCC बनाया। तो कोई भी सवाल किसी के भी हो, छूटे नहीं, इसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म लगाया। चाहे वो अभी तो जो वर्तमान में विधायक होते हैं उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो जो अब पीछे छूट जाते हैं समय की मार के कारण, उनसे बातचीत करना और उनके बातों को आप तक पहुंचाना, उनके मन में क्या सवाल चल रहा है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया था और अब किस दिशा में उनका विधानसभा बढ़ रहा है, यही जानने के लिए हम लोगों ने इस शो को शुरू किया है। और आप देख भी पा रहे हैं, जिस भी पूर्व विधायक के पास हम लोग जा रहे हैं उनका अपना सवाल है और उनका अपना जो कि सफाई है वो भी पेश करते हैं। हम लोगों ने इसीलिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि जैसा कि बहुत सारे कार्य हमने भी देखे हैं 13 महीने के कार्यकाल से, और हम लोग जनता में भी घूमे हैं और जनता की प्रसन्नता भी नजर आई है, एक मेरा अंतिम सवाल होगा, चूंकि विकास करना सबसे मेन मकसद है, आपका भी है और जो पूर्व विधायक हैं उनका भी है, तो क्या सुझाव होगा किस तरह से कार्य किया जाए ताकि सब कुछ ठीक ठाक चले विधानसभा? सबसे बड़े ठीक ठाक चलने के लिए कर्म तो सब कोई करता है, लेकिन ईमानदारी हो, जनता के कामों के प्रति भी ईमानदारी हो, और उसके लिए लगन और मेहनत से अगर करेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। जबकि हमारी सरकार जो NDA की सरकार है, सभी तरफ चाहे आप देखें पूर्व के कंपैरिजन तुलना करेंगे तो चाहे लाइट के मामले में हो, रोड के नाम मामले में हो, सिंचाई के मामले में हो, सभी में बेहतर कार्य कर रही है, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो कर रही है, लेकिन उस काम को सही से कराना, न कि खाली विरोध के नाम पर विरोध करना से विकास नहीं होता है। आप कह रहे हैं हमारे कामों को, जो बुधवा मोहरी पुल का हमने कहा, अगर ईमानदारी से जाकर के वहाँ फाइल में देखा जाए किसने स्वीकृति कराया तो सब पोल खुल जाएगा। आज हमारे ही कामों पर जाकर कहीं कहीं उद्घाटन किए हैं, अपना एक आध वो काम गिना दें कि यहाँ हमारे रिकमेंडेशन से हुआ, 15 महीना गुजर गया, दिखा दे। तो यही सारी बातें हैं जो दबनी नहीं चाहिए। सबसे हमारा मेन मकसद है कि किसी का भी सवाल हो, किसी का भी विचार हो, दबे नहीं। सुझाव बड़ा ही अच्छा है कि भैया ईमानदारी से यदि कार्य किया जाए तो विकास संभव हो पाएगा। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे चलते चलते होगा, स्वच्छता में नंबर 1 आया था डेहरी, लेकिन अभी जो रैंकिंग है वो पीछे हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? स्वच्छता में नंबर 1 हमारे ही टाइम में आया था। हाँ, इसीलिए तो आपसे पूछे। हाँ, स्वच्छता में तो उसमें हम, हमने ऐसा किस तरह से मतलब कार्य किया कि नंबर 1 पे डेहरी चला गया और अब रैंकिंग गड़बड़ा रही है? पहले नगर परिषद से, हम नगर परिषद में जाते थे, उनके सुझाव को, उनके बोर्ड में पारित प्रस्ताव को मैं सरकार और नगर परिषद के बीच कड़ी का काम करता था। इसके प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए हम वहाँ सरकार तक उस बात को ले जाते थे, उसको पारित कराते थे और धरातल पर उतारते थे। अगर नगर परिषद अगर उसमें सहयोग नहीं करता तो हम पार्क नहीं बना पाते। नगर परिषद ने अपने बोर्ड से पारित किया, उस कॉपी पर ले जा करके नगर पर आपको मंत्री से मैंने मिला, उसको स्वीकृति दिलवाई, ये होता है, न कि अभी सब जगह लड़ नगर परिषद का जो तालमेल है वो कुछ गड़बड़ चल रहा है, ऐसा हमको जैसा कि सुनने में आ रहा है। जब से ये आए हैं विधायक जी तब से गड़बड़े चल रहा है जी, अभी ये तो गड़बड़ चल रहा है, जबकि नगर यही नगर परिषद था और यही हम विधायक थे,
कि नंबर वन डेहरी नगर परिषद आया था, लेकिन आज क्या कारण है? तो खाली नगर परिषद पिछड़ता नहीं जा रहा है, यहाँ जितने विभाग हैं सब पिछड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो नजरिया आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पे कि, और यही नजरिया दिखाना है भैया कि शहर के किसी एक कोने में बैठ करके आप अपने शहर को, अपने विधानसभा को किस तरह से देख पा रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया। चलिए धन्यवाद जी। आप, और कुछ आप, मन में हो तो कहिए, क्योंकि ये आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है। कुछ ऐसा होता है कि हमसे सवाल छूट जाता है तो फिर बाद में लगता है कि ये बात हम नहीं कर पाए, जो भी कहना है खुलकर कह सकते हैं। बहुत से बातें हैं जी। अभी तो कहा जाए, मान लिया कि बलिगावा में अपने रीजन में हमने वहाँ छलका को करीब 75% का काम करा चुका था, वो काम पेंडिंग है। अभी कई एक इरिगेशन के काम को हमने धरातल पर लाने में थोड़ा सा लाइन में पीछे रह गया था, एज इट इज उसी छूटा है। लेकिन सबसे बड़ा सुझाव देंगे, अगर यहाँ की जनता को अगर सही आकलन करने के लिए, तो हमारी बातों को आपने सुना, लेकिन आप कहीं निकल जाइए, मॉर्निंग में निकल जाइए, किसी जनता से पूछ लीजिए इनका कार्यकाल और मेरा कार्यकाल, तो आपको सही सही आकलन हो जाएगा। और जहाँ तक हम तो यहाँ थे नहीं, हमने सोचा भी नहीं था, हम तो ओबरा से 2 बार के विधायक थे, लेकिन हम यहाँ आए, कुछ समय यहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ की जनता पर भी ध्यान दिया। बल्कि इतना ही नहीं, जाइए अभी एनी कट में, पीपल 2400 घंटा ऑक्सीजन देता है, हम और हमारे मॉर्निंग वॉक के साथियों ने मिलकर 163 पीपल का वृक्ष जो सब बड़ा हो गया जी। अर्थात एक सोच होना चाहिए, जाइए एनी कट में, कभी उधर कुत्ता भी घूमने नहीं जाता था, लेकिन मेरा सोच था विधायक बनने के पूर्व वहाँ हमने झूला लगवाया, वहाँ हमने चेयर लगवाया, वहाँ हमने पेड़ लगवाया, कि जा करके, चूँकि डेहरी का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ लोग कलकत्ता से यहाँ आते थे लोग हवा पानी चेंज करने, तो डेहरी ऐसा जगह है। हमारा एक सोच था कि डेहरी को चप्पे चप्पे को स्वच्छता में नंबर वन, 2400 घंटा लाइट उपलब्ध रहे, यहाँ के घूमने वाले को लोगों के लिए पार्क हो 2400 घंटा, उन लोगों को बढ़िया से ऑक्सीजन मिले। पीपल की जो चर्चा किया, आज हॉस्पिटल में जा करके लोग ऑक्सीजन चढ़वा लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है तो, लेकिन पहले के बूढ़ बूढ़ ले जाकर खटिया पीपल के पेड़ तक रख देते थे और स्वस्थ हो जाता था आदमी और चला आता था। तो हमने डेहरी ऑनसोन को विधायक बनने के पूर्व भी, हम ओबरा के 2 बार के विधायक थे, उसके बावजूद डेहरी में यहाँ आने को ट्रांसफार्मर का हुआ, जनता के काम से लगाव था, न तो आज़ादी के बाद आज तक बीजेपी यहाँ नहीं जीता था, पहला बार हमने जिताया जी। लेकिन होता है जातीय समीकरण के आधार पर कहीं कहीं लोग मिस, आज लोग भी मिस विश करता है, हैं तो सब चलेगा, काम लगे रहना चाहिए जी। तो यही सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये सारी जब बातें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर ये बातें फिर धीरे 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 आक्रोश में बदल जाती हैं, फिर चुनाव आता है और तब इनके पास माइक पहुंचता है तो फिर माहौल कुछ और बन जाता है। इसलिए हमने सोचा कि चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी जनता के मुद्दों के साथ जुड़ा रहा जाए और लोगों से बातें की जाए कि किस तरह से समस्याओं को दूर किया जाए, और यही कारण है कि हमने इस शो को शुरू किया। और इस शो का जो मुख्य उद्देश्य है मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और इस शो को आप बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे साथ जुड़े। चलिए धन्यवाद आपको भी। चलिए तो आप देखते रहिए न्यूज सुपर 7, हम घूमते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, बातें कराते रहेंगे, मुलाकातें कराते रहेंगे अलग अलग लोगों से, अलग अलग समस्याओं से और अलग अलग बातों से। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।